हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज़ प्रवीण रोड़ी सरांची ब्लॉग्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो फिलहाल मैं आज बताने वाला हूँ कि जो अभी जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो है रिलेटेड, तुमकुड़िया से रिलेटेड है, जो हमारे आदिवासी ट्राइबल के संस्कृति कला से रिलेटेड, जहाँ पर पहले अखाड़ा हुआ करता था, वह नाच गाना कल्चर एक्टिविटी केंद्र के बारे में है, जिसे बोलते हैं धुनकुड़िया। तो ये हमारे करमटोली चौक में कल भूमि पूजन किया गया। तो ये वीडियो आप देखोगे तो कैसा लगा बताना, और इसमें बहुत से गणमान्य नेतागण, झारखंड के माननीय सीएम हमारे हेमंत सोरेन जी आए थे, बंधु तिर्की जी आए थे, मांडर विधायक, फिर खिजड़ी विधायक आए थे, राजेश कच्छप जी, एंड इसके बाद तो फिर यहाँ के सांसद संजय सेठ, फिर यहाँ के महापौर आशा लकड़ाई थी वो आई थी, एंड और बहुत से नेता गणाए हुए थे जो यहाँ पर आके भूमि पूजन कराया गया। फिर आने वाले दिन में धुमकुड़िया बनेगा, बड़ी सी बिल्डिंग होगी जहाँ पर ऑल ट्राइबल्स के जितने भी कल्चर एक्टिविटी होंगे, यहाँ पर बाहर से भी आएंगे, फॉरेन से भी आएंगे, एंड एजुकेशन से रिलेटेड सेंटर बनाया जाएगा ट्राइबल्स लोग के लिए, हॉस्टल्स, ऑडिटोरियम, पार्किंग, शॉप वगैरह एवरीथिंग यहाँ पर सभी बनेगा। तो ये वीडियो देखो और इन्जॉय करो, जिसमें हमारे सीएम ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है, एंड बंधु जी ने, एंड हमारे राज्यसभा उन्होंने भी अच्छा स्पीच दिया। तो ये देखिए, सुनिए, और कुछ कल्चर एक्टिविटी हुआ था वो आप इस वीडियो का मनोरंजन करें, एंड आई होप ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं एंड जो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको जो वीडियो मैं डालूंगा वो आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। तो बने रहो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल, देखिए वीडियो।
अपनी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहरों के साथ हमारे पूर्वजों ने यहां तक हमें पहुंचाया। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने समाज संस्कृति और प्रकृति के साथ आगे की राह पर ले चले। आदिवासी समाज आज इस विकास के दौर में भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया जहां इन्हें होना चाहिए। कई राज्य अपनी समाज संस्कृति के साथ अपनी सभ्यता के साथ देश के अग्रणी राज्यों में गिने जा रहे हैं। आज उसी लक्ष्य को पाने का, उसी लक्ष्य तक इस समुदाय को पहुंचाने का हमारे आदरणीय मंत्री चंपई सोरेन जी के विभाग के द्वारा ये एक पहल शुरू हुई और उस पहल का पहला कदम आज रांची से शुरू हो रहा है। इससे पहले भी हमने थोड़ी बहुत प्रयास किए थे। आपको याद होगा हरमू में भी एक बहुत बड़ा सरदार स्थल का एक नींव हमने रखा जो आज आपके समक्ष सरदार स्थल के रूप में गिना जाता है। आज ये दूसरा पहल जहां हम अपने समुदाय को एक दिशा देने का प्रयास समाज और संस्कृति के साथ करने का हमारा ये प्रयास है। धूपगुड़िया शब्द एक ऐसा शब्द है, इस शब्द में हमारा बहुत कुछ रचा बसा है। ये धूपगुड़िया शब्द एक ऐसा शब्द है जहां हम गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, जहां हमारे परिवार हमारे बच्चे एकत्रित होते हैं, कई विचार विमर्श होता है, कई हमारे जो सामाजिक अगुआ साथी हैं, हमारे मान की मुर्दा पहाड़ बुढ़े माझी परगने के नेतृत्व में उनके आदेशों का पालन किया जाता है। आज कहीं न कहीं परिवर्तनशील समय में हम नई पीढ़ी को बहुत मजबूत और सशक्त समाज नहीं देखा पा रहे। आज उसी को एक मजबूती के साथ एक पहचान देने का ये प्रयास है। आज ये सामुदायिक भवन लगभग 1.5 करोड़ का आपके परिसर में तैयार होगा जो 12 महीना में पूरा किया जाएगा और मुझे आशा ही नहीं पूरा उम्मीद है ये धूपगुड़िया भवन राजनीति से अलग हटकर समाज के उत्थान के लिए दिन और रात काम करेगा और समाज को एक दिशा देने का काम करेगा। आज इस मील का पत्थर इस शुरुआती कदम के लिए इसे स्थापित करने के लिए
आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अभी तो ये हमारा शुरुआत है। हम चाहेंगे कि ये शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन का भी समय बहुत जल्द हम लोग तय कर पाए, ताकि हम एक उदाहरण के रूप में समाज के लिए प्रेरित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, दुआ। एक दिशा देने का काम करेगी, ताकि ये दिशा आपका पूरे राज्य में, जैसे खूंटी हो मैं आपका धुमकुड़िया को हमारे इस पुराव क्षेत्र में धुमकुड़िया है तो खूंटी में आपका उसको गिट्टी होड़ा कहा जाता है, उसी प्रकार आपका संथाल परगना में अलग अलग चीज है, आपका कुल्हान में है। तो ये सारी चीजों को यहाँ पर एक व्यापक तरीके से आगे बढ़ाने का योजना है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो जगह है पूरा 2 एकड़ 25 डिसमिल जमीन है यहाँ पर पूरा, इस बात को समझना। और इसमें जो योजना है, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है, बताया है, और पूरा योजना करीब 75 करोड़ राशि के लागत से बनने का यहाँ पर, यहाँ पर चूंकि धुमकुड़िया केवल हम धुमकुड़िया बना करके केवल छोड़ देने से नहीं होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा ये आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी को ये हम लोग कुछ बता चुके हैं इसमें कि पूरा आपका ये 75 करोड़ राशि से ये बनेगा। और ये इसका जो आप ये नक्शा आप देख रहे हैं, पूरा ये नक्शा बना हुआ है, ये इसका मकसद है इसका आपको, ये धुमकुड़िया का मतलब यहाँ पर आपका यहाँ पर कल्चर हेरिटेज को बढ़ाने के लिए आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी रहेगा यहाँ पर, शैक्षणिक संस्थान भी, JPSC हुआ, UPSC हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेकर के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से लेकर के ये सारा चीज का यहाँ पर एक आपका ये भी एक सेंटर रहेगा किसी के। और साथ साथ में अगर इस योजना को सरकार सही तरीके से सचमुच में अगर आदिवासियों का संस्कृति, आदिवासियों का परंपरा और उसको बौद्धिक रूप से विकास करना चाहता है सरकार, तो इस परिस्थिति में अगर इस योजना पर ईमानदारी से अगर लागू करेगा तो ये आपका बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का भी जनरेट करने का, रेवेन्यू जनरेट करने का एक बहुत बड़ा यहाँ साधन हो जाएगा। और तकरीबन 15 करोड़ राशि आपका ईयरली आपको यहाँ पर रेवेन्यू भी आएगा। सरकार को देने का आवश्यकता नहीं है, हम खुद हम लोग यहाँ पर पैसा राशि यहाँ पर जनरेट करेगा। ये योजना पूरा पूर्ण रूप से बनाया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर उड़ाव हुआ, मुंडा हुआ, खड़िया हुआ, हो हुआ, संथाल हुआ, प्रिमिटिव ट्राइब, इसका तुम्हारा यहाँ पर डिपार्टमेंट होगा अलग अलग, इसका पूरा आपको जो देख रहा है यहाँ पर, ये जो आपका ब्लू ब्लू है यहाँ पर, ये डिपार्टमेंट का आपका दाग है, डिपार्टमेंट होगा। और उड़ाव का तुम्हारा महापुरुष का अलग वहाँ मूर्ति लगेगा, बड़ा बड़ा जिस तरह से आपका राजेंद्र प्रसाद का मूर्ति लगा हुआ है उसी तरह से, और आपका मुंडा का, हो का, खलिया का, संथाल का यहाँ पर अलग अलग होगा। ये जो बीच में G2 बना हुआ है देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर से G2 बनेगा, ये बिल्कुल कॉमर्शियल रहेगा तुम्हारा। और इस कॉमर्शियल में आज जो हम अपन बाजार में साड़ी खरीदने जाते हैं, लाल पाट सादा साड़ी से लेकर के सलून से लेकर के जो भी तरह का हम होगा, ये मार्केट हमारा यहाँ पर होगा और हमारे लोग उस मार्केट में करेंगे, ये हमारा योजना। साथ साथ आदिवासियों का जो ट्रेडिशनल चीज है, चाहे साग से लेकर के सारा चीज, ये पूरा आपका जो आदिवासी का संधान छोटा नागपुर का हुआ, चाहे जहां का भी हुआ, आदिवासी के लिए पूरा ये पूरा एक तरफ से कहा जाए कि यहाँ पर पूरा आपका यहाँ पर
बनेगा और आपका दुकान रहेगा वहाँ पर, इंटरप्रेन्योर होंगे यहाँ पर, छोटे लोग हमारे जो लोग करेंगे यहाँ पर, इस लोगों को उन्हीं लोगों को अवसर दे करके रेवन्यू जनरेट करने का काम किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा योजना है इसे रांची क्लब जैसे क्लब है, यहाँ पर एक क्लब भी बनेगा यहाँ क्लब, और उस क्लब का मेंबर ऑल ओवर इंडिया का केवल आदिवासी लोग ही इसका मेंबर हो सकता है। शाम को उस क्लब में रेस्टोरेंट रहेगा, उस क्लब में अगर जिस तरह के रेस्टोरेंट अभी हम कहेंगे वो एक रेस्टोरेंट रहेगा और हरिया का भी रेस्टोरेंट रहेगा। देखते होंगे कि
तिब्बतियन लोग आता है स्वेटर बेचने के लिए आता, उसका दुकान बनता है, देखे यहाँ भी आपका उसी तरीके से दुकान बनाने का ये योजना है, पूरा प्लान बनाया गया है पूरा। और साथ साथ के आपको इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे चीजों को हमने बताई, हम चाहेंगे चूंकि यहाँ पर हमारे जो संसद जी भी है यहाँ पर, हम चाहेंगे कि एक कॉपी संसद जी को यहाँ पर आप अध्यक्ष जी सुनील जी आकर के आप लोग उसको सौंपने का काम करेंगे, बाकी प्लान हम लोग संसद जी को विस्तार पूर्वक उसको देंगे। पूरा हमने पूरा इसका लगातार इसका इसका पूरा नक्शा वगैरह पूरा सब बना दिया है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए आपको समझना हो अगर हम अपने इतिहास को उठा करके देख ले, आज आदिवासी समाज या झारखंड का मूलवासी समाज आज के तारीख में अगर हम लोग आज रोपनी का शुरुआत कर रहे हैं, तो आज आपको पहले हमारे पूर्व की जो हमारी माताएं थी वो रोपनी गीत भी गाती थी, आज हमारा नौजवान पीढ़ी सांस्कृतिक जो हमारा आधुनिक गीत परंपरा है उस गीत में तो थिरकते हैं, लेकिन जो हमारी जो पौराणिक नृत्य है मुझे लगता है कि हम में से भी बहुत सारे लोग हम लोग आज उस नृत्य संगीत को नहीं जानते हैं। तो धुमकुड़िया का असली मतलब एक अनुशासन है, धुमकुड़िया का असली मतलब जो धरोहर है, आपकी जो पहचान है, उस पहचान को संजो करके आने वाले पीढ़ी के लिए उसको परोसना है। आज धुमकुड़िया हर अखड़ा में है, हर अखड़ा में धुमकुड़िया है, लेकिन चूंकि यह केंद्रीय धुमकुड़िया है इसीलिए इसको झारखंड के समस्त जनजातियों के लेखा जो का आपको इस केंद्रीय धुमकुड़िया में आने वाले दिनों में मिलने का उम्मीद है। इसीलिए यह शिलान्यास शुभारंभ है, ठीक है, हम लोगों ने आज इसका आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इसका शिलान्यास कराया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस प्रकार के बंदूदा कह रहे थे किसकी रूपरेखा विपरीत है, इसकी रूपरेखा बहुत बड़ी है, तो सामाजिक हित में राजनीति से ऊपर उठ करके इस धरोहर को कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए हमको एकजुट रहने की जरूरत है और आने वाले दिनों में इस रूपरेखा को बहुत संजीदगी के साथ में इसको फलाफल देना है, इसका हम लोगों को ख्याल रखना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हमारी माताएं बहने बहुत सारे बातों को जानती हैं। आज मैं पुनः यहाँ जितने भी हमारे कमेटी के साथीगण हैं, पान पुजार हैं, हमारे पंघोड़ा हैं, हमारे जितने भी हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, सरना मसला के हमारे कमेटी के लोग हैं, मैं तमाम लोगों का आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज के तारीख में ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है कि हमारा ये परंपरा है, लेकिन अगर हमारा मसला है कहीं पे सामूहिक मसला है, कहीं पे हमारा बड़ाई है, कहीं पे हमारा अखड़ा है, आखिर उसकी रक्षा यह मंच नहीं करेगी, उसकी रक्षा के लिए आपको यह मंच प्रेरित करेगी।
आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो आने वाले दिनों में आप, क्योंकि हम राजधानी में रहते हैं, राजधानी में बहुत सारे आदिवासियों का जो भाषा संस्कृति हो, जगह जमीन हो, उनका जो परंपरा हो, मैं इस बात को मान सकता हूं कि आज इसका अतिक्रमण हुआ है। लेकिन उस अतिक्रमण को आखिर मुक्त करेगा को, आखिर उस जो हमारा जो परंपरा है, जिसको आज हम गर्व से कहते हैं कि हम उस परंपरा के हम जो धरोहर हैं, उस परंपरा को बचाएगा को। तो सिर्फ आज हम अखाड़ा में नाचने से, करम और सरूल में या जतरा में नाचने से हमारी धरोहर नहीं बचेगी। हमारी धरोहर बचेगी जब आप अखाड़ा संस्कृति को पुनः आप वापस लाएंगे, तभी आपका धरोहर बनेगी। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, या जो धूमपुरिया केंद्र है, पूरे झारखंड का हृदय स्थली में बसा हुआ, और यह एक प्रेरणा आने वाले दिनों में हमारे युवा पीढ़ी और पूरे झारखंड को यह देने का काम करेगी, और समस्त आदिवासियों को एकजुट रखने का काम करेगी। मैं आने वाले दिनों में इसकी कामना करते हुए कि आने वाला दिन आदिवासी समाज को, कहा भी जा रहा था कि जिस टाइम में हम लोग झारखंड राज्य अलग हुआ था, उस टाइम में हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन आज इस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है, हमारी भाषा संस्कृति विलुप्त हो रही है, हमारे नौजवान पीढ़ी उसके सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आने वाले दिनों में लगता जरूर है कि आने वाले दिनों में इसका दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिल सकता है। तो आइए इस धूपपुड़िया के माध्यम से आने वाला जो आदिवासी जो परंपरा है, संस्कृति है, उस संस्कृति को धूपपुड़िया से के माध्यम से बचाने का काम करें। आप तमाम लोगों को बहुत सारी शुभकामना, सबों को जो है क्या कहना चाहिए, क्योंकि 20 साल के बाद ये काम हुआ। बहुत मजा वाला से निवेदन है, मैं आदिवासी करना है आदिवासी, उसका शैक्षणिक से लेकर बौद्धिक से लेकर सभी से आग्रह होगा प्रसाद भोग लेते जाए, उसको भी कंट्रोल कर। बहुत मजा से निवेदन है, जल्द से जल्द बीच में आ जाए, उसका जो आपका परंपरा है, संस्कृति है, ये देश के पैमाने पर कैसे उसको लोग जाने, इसके लिए हर चीज़ों को यहाँ पर आकर शोध जैसा संस्था, और समय समय की संस्था के द्वारा सरकार को आईना भी दिखाना है। सर इसमें कितने का बजट है? सर जो प्लान हमारा जो अभी प्रोजेक्ट बना वो 75 करोड़ का है, लेकिन सरकार का अभी तो 1.5 करोड़ का है, लेकिन ये करके जिनको हम सरकार को कहेंगे कि 75 करोड़ संपूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर ये धूमपुड़िया है, जो प्रदेश के लोग आए यहाँ पर गेट में घुसे हैं। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग होता था, और उसमें वो बहुत सारे चीज़ें को सीख, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे आदिवासी संस्कृति? डिस्प्ले रहेगा 10 मिनट करें, जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारा परंपरा है, ये सारी चीज़ों को हम बताएँ, जो जल है वो है, संतान है, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। सर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को इस तरह से होगा, यहाँ पर युवाओं को भी चाहिए कि भाई हमारे युवा भी पढ़ करके आगे आगे चाहिए, करमटोली जो पूरे राजधानी का एक हृदय स्थली, एक हमारा सेंटर है, जनजातीय समुदाय के बीच का इस जगह पे आज धूमपुड़िया भवन का शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदरणीय चंपाई सोरेन जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसका उद्देश्य झारखंड की जो धरोहर है, झारखंड की जो परंपरा, रीत नीत,
उसको उजागर करना है और ये वैश्विक स्तर पे इस करमटोली का धुमपुरिया का पहचान कैसे हो उसके बारे में ये था। कितने का बजट में ये बनेगा सर धुमपुरिया? देखिए अभी अभी इसका शुभारंभ हुआ है, धीरे धीरे करके इसका लागत भले 50 करोड़ लगे, 70 करोड़ लगे, 100 करोड़ लगे, लेकिन इसको विकसित करने का 70 करोड़ रुपये की बात आ रही थी सर, 75 करोड़ रुपये एक बड़ा बजट नहीं होगा झारखंड सरकार के? नहीं, ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो है पिछली सरकार उसको डाइवर्ट करा करके दूसरी ओर ले गई, अब ट्राइबल सब प्लान का पैसा हमारा वापस हो जाता है, तो ट्राइबल सब प्लान का पैसा ट्राइबल के सांस्कृतिक उत्थान के लिए है। बहुत सारे हमारे पास में बहुत पैसा बच के वापस चला जाता है, तो उस पैसा को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कमेटी तैयार करके इस दिशा में कदम और इस दिशा में बढ़ने की जरूरत है।